Hey guys, welcome back to another video. And in today's video, we will see that how you can make amazing Instagram carousels using Canva. And not I will only show you that how you can create these designs, but I will also show you that how you can convert this into an amazing freelancing opportunity. So first of all, for those who don't know what is an Instagram carousel, so it is basically a seamless series of interrelated posts which convey a particular message. For example, this is an Instagram carousel, as you can see. So how you can convert this into a freelancing opportunity? For that, मैं तुम्हें दिखाता हूँ fiverr.com पे जाके और यहाँ पे मैं सर्च करूंगा Instagram carousel. So Instagram carousel. तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे को इस किट की 500 सर्विसेज मिल रही है. अगर मैं ऑनलाइन सेलर्स देखूं, क्योंकि ये होते हैं जिन्हें ज्यादा गिग्स के ऑर्डर मिल रहे होते हैं, तो सिर्फ 38 सेलर्स अवेलेबल हैं. तो इस गिग में कंपटीशन बहुत कम है. अगर मैं किसी और ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल की बात करूं, लोगो डिजाइनिंग की बात करूं, देयर इज इनसेन कंपटीशन. 1,74,000 से ज्यादा सर्विसेज यहाँ पे हमको मिल रही है. अगर मैं सोशल मीडिया पोस्ट की बात करूं, सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन, तो यहाँ पर 1,63,000 से ज्यादा गिग है. तो यही कारण है ये जो गिग है इसमें कंपटीशन का कम है. आप आराम से जो है अपनी गिग को रैंक करा पाओगे, राइट. और अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ, तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दिखाता हूँ. तो जैसे कि ये एक गिग प्रोवाइडर है और ये 3 स्लाइड या कैरोसेल के 391 रुपीज चार्ज कर रहा है. तो 3 स्लाइड का कैरेसल तो आप बहुत आराम से 5 मिनट में बना लोगे. हम अभी एक काम करते हैं कि 4 स्लाइड का बना के देखते हैं, 5 स्लाइड का, राइट. तो फटाफट से बंद करते हैं और हम आ जाएंगे canva.com पे, क्लिक करेंगे क्रिएट अ न्यू डिजाइन पे. और हम क्या करेंगे, देखो इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज तो 1080x1080, लेकिन हमारे जो कैरेसल है उसमें एक से ज्यादा पोस्ट है, तो इसलिए हमें कस्टम डायमेंशन में जाना है. हाइट तो सेम रहेगी 1080, बट जो हमारी विथ है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी जितनी हमारी पोस्ट है उससे. मान लेते हम 4 पोस्ट का कैरेसल बना रहे हैं, तो 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 4320. क्रिएट पे क्लिक करेंगे. ओके, तो गाइस यहाँ पे हमारे पास ये इंटरफेस आ चुका है और ये है हमारा डिजाइन. तो अब मैं फटाफट से इस पे क्लिक करूंगा और मैं इस तरह से इसे 4 हिस्सों में बांट लूंगा रूलर की मदद से. अगर आपको पता नहीं कि रूलर कैसे खुलता है, तो बड़े आराम से जो है फाइल में जाके आप खोल सकते हैं, फिर कंट्रोल आर करके आप ये रूलर्स लेके आ सकते हैं. ज्यादा एक्यूरेट नहीं चाहिए, थोड़ा सा रफ आइडिया चाहिए, क्योंकि बाद में हम किसी भी वेबसाइट पे जाके इसे आराम से 4 हिस्सों में बांट लेंगे. ओके ओके, तो अभी हमें बस इस पे क्लिक करना है और इस पे बैकग्राउंड कलर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई. तो आई थिंक कि मुझे कौन सा कलर चूज करना चाहिए, राइट. तो ये कलर काफी अच्छा लग रहा है, तो मैं ये वाला कलर चूज कर लेता हूँ. या फिर काम करता हूँ, मैं पिंक कलर लूंगा और पिंक कलर को मैं थोड़ा सा लाइट कर लूंगा. काफी ज्यादा डार्क है तो थोड़ा सा लाइट करूंगा, दैट्स इट. ये काफी सही लग रहा है. तो मैंने पिंक कलर का बैकग्राउंड चूज किया है और अब ये सीमलेस लगे इसके लिए इसलिए हमें कुछ एलिमेंट्स ऐड करने हैं. तो मैं यहाँ पे आके सर्च करूंगा. सबसे पहले मान लेते हैं ब्लॉब. तो ब्लॉब क्या है, कुछ नहीं, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी कुछ शेप्स होती हैं, इनकी मदद से आपका जो कैरोसेल है वो एकदम ऐसे लगेगा कि एक के बाद एक ही चल रहा है. इसे मैं ऐसे बड़ा करूंगा और इसे मैं ऐसे यहाँ पे लगा दूंगा. कलर चेंज कर देते हैं पर्पल. हाँ, पर्पल इस पे काफी सही लग रहा है, राइट. यही वाला काफी सही है, पर्पल कलर इस पे अच्छा लग रहा है, पिंक के साथ कंट्रास्ट मार रहा है. तो ऐसे ही मैं एक और को उठाकर यहाँ पे लगा देता हूँ. बहुत ज्यादा ब्लॉब्स नहीं डालेंगे, नहीं तो काफी ओवर हो जाएगा. ओके, तो इसका कलर भी मैं कर देता हूँ पर्पल, राइट. थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड का कलर और अपना चेंज करता हूँ. तो मैं क्लिक करूंगा प्लस पे और इसे थोड़ा सा ऐसे हम लाइट कर सकते हैं. हाँ, तो अब सही लगा. अब मैं एक सर्कल ऐड करूंगा, तो मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे सर्कल टाइप. तो इस सर्कल को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ. नहीं, ये वाला नहीं, मैं नॉर्मल सर्कल ही लूंगा. एक काम करता हूँ, तो उसके लिए मैं शेप्स में से सर्कल उठा लेता हूँ. हाँ, क्योंकि मेरे को कलर वाला सर्कल चाहिए था, तो इसे मैं थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर दूंगा और ऐसे यहाँ पे लगा देता हूँ, राइट. तो ये कुछ इस तरह का हमारा दिख रहा है. इस वाले सर्कल को मैं थोड़ा
थोड़ा सा लाइट कलर देना पसंद करूंगा, राइट, या फिर हाँ ये सही लग रहा है, ये काम करते हैं, वही कलर सही लग रहा है। ओके, तो इस तरीके का हमारा कैरेसल जो है वो बन गया है। अब मुझे क्या करना है, इसमें टेक्स्ट ऐड करना है, कुछ ग्राफिक्स ऐड करना है, जो भी हम चाहें। तो मैं सबसे पहले आ जाऊंगा टेक्स्ट पे, और टेक्स्ट पे आने के बाद एक काम करता हूँ, मैं जो बैकग्राउंड कलर है उसे यहाँ से व्हाइट कर देता हूँ। या दिस इज ऑल्सो लुकिंग गुड, राइट। तो मैं टेक्स्ट पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे मैं ऐड अ हेडिंग का भी यूज कर सकता हूँ। तो मैं ऐड हेडिंग ले लेता हूँ, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इससे भी आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। नीचे जो टेम्पलेट्स दे रखे हैं सुंदर सुंदर, इसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं फ्रीलांसिंग से रिलेटेड एक आपको कैरेसल बना के दिखाता हूँ। तो मैं ये वाला चूज कर लेता हूँ, ये फॉन्ट मुझे सही लग रही है, तो मैं इसके नीचे वाला जो है वो डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ ये वाले फॉन्ट को मैं रख लूंगा। और यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रीलांसिंग ऑन फाइवर, राइट। सो फ्रीलांसिंग ऑन फाइवर मैंने लिखा, इसे मैं ऐसे छोटा बड़ा कर सकता हूँ अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। ओके, सो यस, हो गया। तो फ्रीलांसिंग ऑन फाइवर। अब मैं कुछ और टेक्स्ट ऐड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करूंगा, सबसे पहले इसे यहाँ पे ले जाता हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से टेक्स्ट जो है वो लिख दिया है। इसको मैं थोड़ा सा ज्यादा अपना साइज दूंगा, और इसे कुछ इस तरह से हम यहाँ पे लगा देंगे, सॉरी। तो इस तरह से लग रहा है, काफी सही लग रहा है। इन दोनों टेक्स्ट को मैं ऐसे ग्रुप भी कर सकता हूँ, पहले मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ, राइट। तो अभी एक और ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं इन दोनों को इस तरह से सिलेक्ट करूंगा, सिर्फ इन दोनों को ही करना है, और मैं इन्हें ग्रुप करके नीचे ले आता हूँ, ऑल राइट। तो इसी तरह से हम और टेक्स्ट जो है आगे की स्लाइड्स में भी ऐड कर सकते हैं, जो हम चाहें। बस टेक्स्ट को चेंज करते रहेंगे, टेक्स्ट को हम चेंज कर देंगे, और बाकी हमारा काम ऐसे ही हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इस वाले टेक्स्ट को मैं कैसे करूंगा चेंज करके कलर, मैं इसका कर देता हूँ वाइट, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि ओके इधर की साइड पर। ओके, तो मैं बस कुछ भी करके जो है यहाँ पे अपना टेक्स्ट जो है वो चेंज कर सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैनवा डिजाइन, और यहाँ पे हम लिख देंगे हाउ टू मेक कैन इंस्टाग्राम कैरसल ओके। सो यस, अभी इसको मैं अनग्रुप करता हूँ, क्योंकि ये इसे ठीक से लेके आना है। राइट, तो ये कुछ इस तरह का हमारा दिख रहा है। अब मैं चाहूं तो यहाँ पे कुछ ग्राफिक्स वगैरह भी अपनी ऐड कर सकता हूँ, जो कि और ज्यादा इसे बेटर बना देंगे। तो इनको अभी मैं चूज करके यहाँ पर ले आता हूँ। ओके, तो अभी मैं कुछ ग्राफिक्स ऐड करूंगा, तो उसके लिए मैं एलिमेंट्स में जाऊंगा, और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ कैनवा। तो हो सकता है मुझे कुछ यहाँ पे मिल जाए। ओके, यहाँ पे मुझे कैनवा का लोगो मिल चुका है, इसे मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से ऐड कर दूंगा। एक काम करते हैं, इसे ऐसे यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब क्योंकि ये ब्लू कलर है, हम चाहे तो कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से, राइट। लेकिन ब्लू कलर का वैसे कैनवा को लोगो, लेकिन हम अपने बैकग्राउंड के हिसाब से इसे काफी बढ़िया बना सकते हैं, कस्टमाइजेबल। ओके, तो ये कुछ इस तरह से मेरा दिख रहा है कैनवा का लोगो। चाहे तो हम यहाँ पर फ्रीलांसिंग से रिलेटेड एक ग्राफिक भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने फ्रीलांसिंग टाइप किया, और यहाँ पे मेरे पास कई सारी चीजें जो है वो आ चुकी हैं। मैं यहाँ पर इसे चूज कर लेता हूँ यहाँ पर, और इसको मैं ऐसे यहाँ पे लगा दूंगा। तो ये काफी अच्छा लग रहा है, मेरे ख्याल से कराउजल
काफी बढ़िया बन चुका है। ओके तो यहाँ पे मैं कुछ और ऐड करने की सोच रहा था एलिमेंट, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल ऐड कर देता हूँ, एक काम करता हूँ कुछ इस तरह से। सो यस नाउ इट इज लुकिंग मोर बेटर, है ना। तो इसी तरह से एक और सर्कल मैं यहाँ पे भी छोटा सा ऐड कर देता हूँ। तो मेरे ख्याल से अभी ये काफी सही लग रही है चीज, ठीक है ना। और हाँ बस काफी बढ़िया लग रहा है, ये डिजाइन काफी बढ़िया लग रहा है। तो इस तरह से आप खुद के डिजाइन्स बना सकते हो, और डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं करना, बस डाउनलोड बटन पे क्लिक करो, फाइल का फॉर्मेट सिलेक्ट करो, पीएनजी पे रखना, ट्रांसपेरेंट मत करना बैकग्राउंड, नहीं तो पीछे का बैकग्राउंड चला जाएगा, और सिंपली डाउनलोड कर लो, पीसी में आ जाएगी तुम्हारी ये फाइल। अब इसको बस चार हिस्सों में बांटना है और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है। खैर तुम्हें थोड़ी पोस्ट करना है, तुम्हें अपने क्लाइंट को डिलीवर करना है, तो जाओ गिग बनाओ, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी आई वन।